अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं पेंटिंग बनाने जा रही हूँ, ये जो है ये नाइट का सीन है और इसमें मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, मोस्टली ब्लैक कलर होगा। और इसके अलावा मेरा इरादा है इसमें रेड ट्री बनाने का। मैं इससे पहले जितने भी ट्रीज़ बना रही हूँ वो सारे पिंक और पर्पल और ब्लैक और ग्रीन बनाती हूँ, लेकिन रेड ट्री मैंने कभी भी नहीं बनाया। मैं कभी बन भी जाता, लेकिन ये है कि वो बहुत छोटा सा, ये लार्ज कैनवस पे मैं बना रही हूँ। मेरा इरादा था कि मैं लार्ज कैनवस पे ज़रा डिफरेंट से कुछ चीज़ बनाऊँ। तो मेरा ये ट्री जो है ये रेड कलर का है। इससे पहले मैंने रेड कलर का ट्री बहुत कम बनाया है, तो उसका ट्यूटोरियल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो आज मेरा इरादा है मैं इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने शेयर करूं और आप लोगों को कंप्लीट इसका स्टेप बाई स्टेप बताऊं। और कुछ स्टेप्स रह जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पूरा तरीका बता दूं कि मैं कौन सी चीज़ किस टाइम और कितना यूज़ कर रही हूं, किस तरह से यूज़ कर रही हूं। इससे आप लोगों का ये भी कुछ सिंपल सा है, ग्रास बना के उस पर ट्री बना के मैं बर्ड्स बना दूँगी। बर्ड्स मेरे ब्लैक होंगे और ट्री मेरा रेड होगा। मेरा ये इरादा है बनाने का। ये मेरा कैनवस 36 इंचेस लॉन्ग है, 24 इंचेस वाइड है। इसमें मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। ब्रशेस में कुछ स्मॉल ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद जब मैं ट्री के बनाने का तरीका होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्री बनाने के लिए। स्मॉल जो कैनवसेज होते हैं उस पर बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है बनाना, लेकिन बड़े कैनवस पे जब आप लार्ज कैनवस पे आ जाते हैं तो इस एक बहुत बड़ा इशू होता है कि ट्री को हम डैप कैसे करेंगे। ट्री के दरख्तों को, वो पत्तों को हम डैप करके या ऊपर से दबा के किसी चीज़ के साथ हम बनाते हैं, तो वैसे तो कॉटन के साथ बन जाता है। स्मॉल जो होते हैं वो कॉटन बर्ड्स के साथ बन जाते हैं, ट्रीज़ और इसके साथ बन जाता है, ब्रशेस पुराने ब्रशेस के साथ बन जाता है। लेकिन जो बड़ा कैनवस होता है इस पर बड़ा मसला होता है। तो इसमें मोस्टली या तो कॉटन यूज़ होता है, कॉटन सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे एक्रेलिक कलर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम उनको वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आप लोगों के साथ मैं आज एक टेक्निक शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम लोग अपने ये ट्री के लीव्स होते हैं, ये बहुत घने दरख्त को हम बनाना चाहें तो उसमें काफ़ी घने लीव्स भी बनते हैं, तो उसको थिक जो ट्रीज़ होते हैं उनके लीव्स को हम कैसे बना सकते हैं एक बड़े कैनवस पे। तो ये इतना बड़ा कैनवस मेरा नहीं है, लेकिन ये है बड़ा ही कैनवस। मतलब स्मॉल साइज़ के कैनवसेस काफ़ी हद तक बड़ा है। तो ये वैसे इसमें भी काफ़ी मसला होता है कि मतलब ब्रशेस के साथ इसके लीव्स बनाना बहुत मुश्किल है, उनकी लुक अच्छी नहीं आ रही है। तो मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था। मैं आप लोगों के साथ सिंपली शेयर कर दूंगी कि एक शॉपर लेके शॉपिंग बैग जो होता है वो लेके उसके साथ कोई भी लाइट सा हो, सॉफ्ट सा शॉपर ज़्यादा अच्छा है। तो या फिर हम उनको वाइप्स को लेके तो उनके साथ भी रहे, लेकिन वाइप्स और ये चीज़ें जो सॉफ्ट होती हैं, जो चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो या तो बड़े साइज़ का बिल्कुल रफ सा ब्रश हो, या फिर ये शॉपर हो, ये से बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। अभी मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर करती हूँ कि किस तरह हम लोग वो बना के कलर बना के और फिर उसके ऊपर शॉपर लगा के, शॉपर को दबा के तो हम डैप करके तो हम लीव्स बना सकते हैं। इस तरह से कलर को मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें हम शॉपर को दबा के डैप करेंगे और डिप करेंगे, फिर उसको ऐसे हम ऊपर से लगाते जाएंगे। इस तरह लिया, उसको ऊपर से दबा के हम डैप करके तो अपने लीव्स बनाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी बना दिए थे, पहले मैंने ब्रश के साथ बनाए, उनके साथ रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने कैसे बनाया, ये मैं आपको सिंपल दिखा दिया। अब इसका रिज़ल्ट ये आया है, ये वॉल पे लगा के मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ।
दूर से भी दिखाती हूँ इसका कंप्लीट। ये देखें, ये इसका रिज़ल्ट आया है। ये मैंने शॉपर के साथ बनाया है इसके, अभी ये ड्राई नहीं है, वेट है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको आप लोगों को बता दूंगी कि एंड पे ये कैसा इसका रिज़ल्ट आता है।